Hello guys, welcome to my channel. Today I am here in BODHGAYA. I am here with my friends. We are going to some temples. This is my friend Kundu. Hello. From West Bengal. We are reaching the first temple. I will show you how it looks from inside. Unfortunately guys, I have mobile in the table. Mobile. Give your phone. There, यहाँ हर देश का पढ़ाई होने नहीं देंगे क्योंकि प्राचीन काल में तीन ही नालंदा यूनिवर्सिटी था। एक तकशिला जो पाकिस्तान में पढ़ता है, दूसरा में विक्रमशिला है भागलपुर में पढ़ता है, तीसरा में नालंदा पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा ये था। उस टाइम पढ़ाई चल रहा था, उस टाइम में 7 माइल लंबा था और 3 माइल चौड़ा, मतलब 7 माइल मतलब समझ रहे हैं आप, 21 किलोमीटर लंबाई और 9 किलोमीटर चौड़ाई। इसमें 15,000 विद्यार्थी और 10,000
टीचर सब पढ़ाई लिखाई करते थे। अच्छा। तो बख्तियार खिलजी अटैक करके चलाया, हमला किया बहुत सेना साहब। जब ये पढ़ के निकले थे तब Xuanzang नालंदा का पहला स्टूडेंट है वो Xuanzang ना। हाँ, दूसरा में सिलभद्र है, वो सिलाव कराने वाला था। अच्छा। इसी में उसका नाम रखा गया सिलभद्र। तीसरा में फाइयान, Xuanzang सिलभद्र और फाइयान, ये तीनों पढ़ाए और पढ़ाया नालंदा में। वो यूनिवर्सिटी को खिलजी ने दिलाया था। हाँ, बख्तियार खिलजी ने। हाँ, हाँ। इसे छह महीना तक दिया। अच्छा अच्छा, छह महीना तक चल रहा था। हाँ, अरे भाई हम तो नहीं पता, खिलजी के बारे में तो हमने सुना है। हाँ, तो ले आया। वो तो बहुत वो था, वो बहुत हमला किया, मतलब सारे जगह का वो, इसलिए उसको कहना था यहाँ हर देश का पढ़ाई होने नहीं दे। अगर वो होने देता तो बहुत अच्छा होता ना। होने देता तो हर देश का पढ़ाई कर रहा था ना, जमीन का अंदर चला गया था तो मालूम नहीं चल रहा था कि नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे चला रहा है। सारे खेत बराबर हो चुके तो किसान हर चला रहा था, हर चलाते हुए पहले एक मूर्ति निकला, भला एक बुद्धा, बुद्ध भगवान की वहाँ पर स्थापित हो चुके। नालंदा का पहला मूर्ति वही है। अच्छा। उसी मूर्ति को देखते हुए सारे सब खुदाई होने लगा। खुदाई होने के बाद मतलब नहीं, पहले मूर्ति खुदाई हो गया, उसके बाद मालूम चला रहे नालंदा जला हुआ, वही से स्टार्टिंग है। Thank you.
खिलती है।